नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा शोर। पुरानी फाइलों को गंभीरता से खंगालने में जुटे डीजीपी आरएस भट्टी। बिहार में बालू खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। बिहार की सलोनी गीतों के जरिए कर रही शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक। कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए जाने पर बोले केएल राहुल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा शोर। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के 68 नगर निकाय के लिए शोर आज यानी 26 दिसंबर की शाम 5 बजे तक थम जाएगा। वहीं दूसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया 28 दिसंबर को की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी, जिसमें कुल 61,94,826 मतदाता के द्वारा 23 जिलों में चुनाव लड़ रहे 11,127 उम्मीदवारों के लिए मतदान कर उनके आगे का फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि 30 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और फिर मतदान के नतीजे सामने आएंगे। वहीं मतदान को लेकर नगर निगम चुनाव में प्रत्येक वार्ड के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे काम करेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी के बारे में। मनोज वाजपेयी भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता है। मनोज प्रयोगकर्मी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1994 में शेखर कपूर निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू किया था। बॉलीवुड में उनकी पहचान 1997 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म सत्या से बनी। इस फिल्म ने मनोज को उस दौर के अभिनेताओं के समक्ष ला खड़ा किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सन 2019 के लिए 67वें फिल्म पुरस्कार हेतु मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नए साल में 263 ग्रामीण पथों और 72 पुलों का बिहार में होगा निर्माण। बिहार को नए साल में सड़कों और पुलों का तोहफा मिलने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क था और आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए 2,427.55 करोड़ रुपए की लागत से 263 सड़कों और 72 पुलों के निर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही 286.18 करोड़ रुपए की लागत से 3,241.93 मीटर में बनने वाले 762 पुलों के अस्तित्व में आने पर भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने इन सब सड़कों और पुलों के निर्माण को जमीन पर उतारने की अपनी कवायद आरंभ कर दी है। इसके लिए सरकार की ओर से निविदा भी निकाली जा चुकी है। बता दें कि इन पुलों और सड़कों से जुड़ा टेंडर जनवरी माह में फाइनल हो जाएगा और फरवरी तक इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। पुरानी फाइलों को गंभीरता से खंगालने में जुटे डीजीपी आरएस भट्टी। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने जब से अपने पद को संभाला है, तब से वह पुरानी फाइलों को गंभीरता से खंगालने में जुट गए हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा पुलिस महकमा की सभी इकाइयों के कामकाज का जायजा भी लिया जा रहा है और साथ ही सभी इकाइयों के एडीजी से मुलाकात कर उनके कार्य और उनके पास मौजूद सभी महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा समझा जा रहा है कि डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा विधि व्यवस्था से लेकर सभी पहलुओं को तरीके से संचालित करने के लिए और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए खास निर्देश दिया जा सकता है और साथ ही समुचित समीक्षा के बाद कुछ अहम निर्देश भी लिए जा सकते हैं। शराबबंदी को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद भी कई जगहों पर आए दिन शराब तस्करों की गिरफ्तारी करते हुए कई लीटर शराब बरामद किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर ऑल सीआईटी की टीम के द्वारा भागलपुर, नाथन नगर, ततारपुर और बरारी थाना के सहयोग से किलाघाट, शंकरपुर दियारा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और किलाघाट और शंकरपुर दियारा में देसी शराब बनाने वाले कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि इस दौरान सभी तस्कर फरार हो गए। वहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देसी शराबों का निर्माण चुनाव के मद्देनजर खपाने के लिए किया जा रहा था। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के एक घंटे के बाद किसी के पेपर लीक करने की बात सामने आई और मैंने जैसे ही देखा तुरंत इस मामले पर जांच करने का निर्देश दे दिया था। फिलहाल अभी एक एक चीजों की अच्छी तरीके से जांच हो रही है। वहीं इस मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जो पेपर लीक हुआ है उसे लेकर जांच चल रही है। अगर पेपर लीक सत्य पाया गया तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब बिहार में किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी बीपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट होने का मामला सामने आ चुका है।
बिहार में बालू खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बालू खनन की अवधि को 25 दिसंबर से बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। बता दें कि बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद बिहार में निर्माण कार्य करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बालू घाटों के बंदोबस्त की प्रक्रिया नए सिरे से चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार में फिलहाल बालू का खनन बंद है। टीएमसी ने 405 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल ने लोअर डिविजनल क्लर्क, अटेंडेंट, ट्रेड हेल्पर और नर्स के कुल मिलाकर 405 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जिसमें कैंडिडेट को मैट्रिक, ग्रेजुएशन, बीसीए, बीएससी, आईटी, जीएनएम विद डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पदों के अनुसार अलग अलग पदों के लिए 1 साल से 12 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट tmc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राज्य में 11 जगह पर लघु डाक घर बनकर होंगे तैयार। डाक मध्य पूर्वी क्षेत्र बिहार मनोज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डाक विभाग की तरफ से लघु डाक घर का निर्माण राज्य में 11 जगहों पर किया जा रहा है, जिसे वित्तीय वर्ष मार्च के अंतिम दिनों तक पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 जगहों पर लघु डाकघर का निर्माण किया जा रहा है। उनमें गया, जगदीशपुर, आरा, परसागढ़, सारण, कटरा, मुजफ्फरपुर, लौकहा, मधुबनी, गुलवाड़ा, मधुबन, पूर्वी चंपारण, गर्भनैली, पूर्णिया, मदनपुर, पूर्णिया, कुर्साकांटा, पूर्णिया, कटोरिया, भागलपुर, तुर्कागंज, कटिहार शामिल है। 2023 में सातवें चरण में 2 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। आने वाले साल में नई नियमावली से शिक्षकों के सातवें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इसके तहत 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षकों और 90,000 प्लस 2 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही इस साल सभी प्रारंभिक विद्यालयों को अपना भवन मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग कक्षाओं का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगले साल से शेष अनुमंडलों में भी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की संभावना है। ऐसे में सभी पंचायत को इंटर स्कूल और सभी अनुमंडल को डिग्री कॉलेज मिलने की उम्मीद है। आयकर विभाग का निर्देश, मार्च 2023 तक आधार से नहीं जुड़ा तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके पैन संख्या आधार क्रमांक संख्या से नहीं जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी आयकर विभाग के द्वारा परामर्श जारी करते हुए दी गई है। हालांकि नियम में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी समेत 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग होंगे। बता दें कि 31 मार्च 2023 से पहले सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। अगर आप 10 को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो अप्रैल 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बिहार के सलोनी गीतों के जरिए कर रही शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक। बिहार में एक तरफ जहां शराब को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के रोहतास जिले में तिलौथ के अलीगंज के रहने वाले नंदकिशोर सिंह की बेटी सलोनी मध्य विद्यालय पतलुका की सातवीं की छात्रा अपने गीतों के जरिए लोगों को नशा, शराब और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रही है। सलोनी का एक गाना सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि सलोनी के गाने की कुछ पंक्ति ऐसी है, मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी है, मर जाना है, होगी बड़ी खराबी। यह गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं सलोनी के इस प्रयास से स्कूल के शिक्षक समेत उसके गांव और परिवार वाले खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। शहर में 356वें प्रकाश पर्व पर वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के गूंजे नारे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश उत्सव की तैयारी बिहार के पटना में जोरों शोरों से चल रही है। इस अवसर पर सिखों के साथ साथ और भी अन्य श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं। पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर से एक जत्था दानापुर पहुंचा है। जत्था दानापुर के ऐतिहासिक हांडी साहिब गुरुद्वारा वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के गुणगान के साथ पहुंची। यहां उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया।
बिहार में कड़ाके की ठंड का दिखने लगा असर। बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आएगा। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, विजिबिलिटी कम होगी, कोहरे का कहर जारी रहेगा, दूर तक धुंध वाले क्षेत्र अपेक्षित होंगे। हवा पूर्व दक्षिण और पूर्व की ओर परिवर्तित होती रहेगी। पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा का असर बिहार के तापमान पर भी दिखेगा। वातावरण में कनकनी और बढ़ेगी और ठंड का एहसास पहले से ज्यादा होगा। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक सूबे के कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। अब बिहार में भी दिखेंगे गैंडे। बीटीआर को राष्ट्रीय झंडा संरक्षण रणनीति के तहत बिहार वाल्मीकि बाग अभयारण्य में गैंडों को भी फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन गैंडों को असम से लाया जाएगा। फिलहाल बीटीआर में एकमात्र गैंडा रहता है। मालूम हो कि लगभग 2 साल पहले बीटीआर में पर्यावस सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने और अभयारण्य में गैंडों को फिर से लाने के उपाय सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस बात की जानकारी बिहार के मुख्य वन्य जीव वार्डन पीके गुप्ता के द्वारा मीडिया से बातचीत करते दौरान दी गई थी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कांवर झील पक्षी विहार के बारे में। कांवर झील अथवा कांवर झील, जिसे स्थानीय रूप से कांवर ताल, कनवार ताल या कांवर ताल भी कहते हैं, भारतीय राज्य बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की एक उथली झील है। यह झील जिला मुख्यालय बेगूसराय से तकरीबन 22 किलोमीटर उत्तर में और बिहार के राजधानी नगर पटना से 100 किलोमीटर पूरब में स्थित है। इस झील और आसपास की नमभूमि को पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। बिहार सरकार के वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इसे पक्षी विहार का दर्जा 1979 में दिया गया और यह 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार लिए हुए है। यहाँ जारों में काफी प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें विदेशी पक्षी भी शामिल हैं। झील के नजदीक ही जय मंगलगढ़ के नाम के से एक प्रसिद्ध एक मंदिर भी है, जिसे पालवंश के काल में स्थापित माना जाता है और यह भी अनुमान है कि यह एक किले के रूप में था। नेशनल खेल ग्राउंड से रग्बी चाय वाला बनने तक का सफर। रग्बी खेल के बारे में तो हमने खूब सुना है और हमने रग्बी खेल का देखा भी है, लेकिन आपने रग्बी चाय वाले के बारे में शायद ही सुना होगा। जी हां, बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली, कैदी चाय वाला के बाद अब रग्बी चाय वाले का भी स्टॉल लग चुका है। दरअसल बिहार के पटना जिले में स्थित बाढ़ निवासी सौरभ एक रग्बी खिलाड़ी है। इन्होंने अभी तक रग्बी के 3 नेशनल खेल में भाग लिया है, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी की वजह से इन्हें टी स्टॉल लगाना पड़ा। निरंतर मेहनत करने के बाद इनकी दुकान अच्छी चल पड़ी है और अभी हम लोगों को चाय पिलाने का काम करते हैं। बिहार में लगभग 976 निजी स्कूलों पर दिव्यंगत कानून की धारा 16 दर्ज हुई। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लगभग 976 प्राइवेट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का एडमिशन नहीं लेने पर जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कई दिव्यांग विद्यार्थियों ने परिषद से शिकायत की थी कि इन स्कूलों द्वारा दिव्यांग बच्चों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। इसी शिकायत के आधार पर इन स्कूलों में नोटिस भेजा गया और नामांकन नहीं लेने के कारण भी पूछा गया, लेकिन आधे से भी ज्यादा स्कूलों से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में इन विद्यालयों से जवाब नहीं आने पर या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दिव्यंगत कानून की धारा 16 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भावुक हुए सीएम नीतीश कुमार। बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भावुक होते हुए कहा कि अटल जी से मुझे बहुत स्नेह मिला है, वे मेरी सारी बातों को मानते थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अटल जी वह नाम है जिसे चाहकर भी मैं कभी भुला नहीं सकता। उनके अंदर यह खासियत थी कि वे सभी को एक साथ लेकर चलते थे। वे दूरदर्शी हैं, उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिसका फायदा आज भी लोगों को मिलता है। उनके लिए मन में इतना आदर और प्यार है कि उनके जन्मदिन पर हर साल सरकारी कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया है। जाति व्यवस्था पर शिक्षा मंत्री का बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री ने ज्ञान भवन में एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए भारत के जाति व्यवस्था को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत देश सिर्फ मोहब्बत से ही चल सकती है, नफरत बोकर भारत ताकतवर नहीं बन सकता। यहाँ की जाति व्यवस्था ने हमें कमजोर बना दिया है। पहले के समय में यहाँ केवल 6,743 जातियां ही हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 48,000 से अधिक जातियां हो गई है। अमीबा से आदमी बनने में करोड़ों वर्ष लगे और उस समय कोई जाति नहीं हुआ करती थी। हम ही हैं वो जिन्होंने बनाई है, जबकि हम सभी चिंपांजी के संतान है, हमारी कोई जाति नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के द्वारा आदमी बनाया गया है, जाति नहीं। प्रशांत किशोर का 23वीं पर तगड़ा वार। चुनावी राजनीति रणनीतिकार आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने अपने जन सुराज पदयात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव के बेटे ने 10वीं भी पास नहीं की है और उन्हें चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि आपका बेटा बिहार की शिक्षा व्यवस्था से निकलकर कभी कलेक्टर नहीं बन सकता। लालू यादव और नीतीश कुमार ने अपने पिछले 32 साल के शासनकाल में बिहार
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ के स्कूलों में जो खिचड़ी बांटी जा रही है उसको पढ़कर बच्चा कलेक्टर बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता भी सब कुछ जानते हुए भी उन्हें ही वोट देती है। कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट के प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए जाने पर बोले केएल राहुल। बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 22 महीने बाद टेस्ट में वापसी कर कुलदीप यादव ने अपना शानदार प्रदर्शन दिया था, लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद केएल राहुल ने उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद केएल राहुल ने कहा है कि ठीक कहूं तो आईपीएल में जो इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू किया गया है, अगर वह टेस्ट मैचों में भी होता तो मैं दूसरी पारी में कुलदीप यादव को निश्चित रूप से वापस लाता। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन पहले दिन पिच को देखने के बाद हमने जो महसूस किया हमने उस आधार पर फैसला लिया। हमें लगा था कि तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए ये पिच में सहायता मिलेगी। मैंने कुलदीप को ड्रॉप किया और मुझे निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है, और हमने यह फैसला वनडे में खेलने के लिए अपने अनुभव के आधार पर लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है इस वजह से बेहद खास। दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का 1904 में उद्घाटन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में स्थापना हुई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1978 में जेल से रिहा किया गया। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह का जन्म 1899 में हुआ। भारतीय समाज सेवी महिला माबेला अरोल का जन्म 1935 में हुआ। प्रसिद्ध संत महात्माओं में से एक विद्यानंद जी महाराज का जन्म 1935 में हुआ। मुगल सम्राट बाबर का निधन 1530 में हुआ। भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का निधन 1999 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक तथा समाज शास्त्री भूपेंद्र नाथ दत्त का निधन 1961 में हुआ। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पंकज सिंह का निधन 2015 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे भारत बंद के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत बंद के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सीई न्यूज नामक एक यूट्यूब चैनल के वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आज रात 12 बजे से 7 दिन तक भारत बंद रखने का फैसला लिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इस वीडियो में किया गया दावा फर्जी है, भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। लैपटॉप पर ऐसे कर सकते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल। व्हाट्सएप ने पिछले साल डेस्कटॉप के लिए कॉलिंग फीचर लॉन्च किया था। व्हाट्सएप यूजर वेब के लिए व्हाट्सएप ऐप पर कॉल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप लैपटॉप पर कैसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वह पर्सनल चैट खोलें जिसके साथ आप कॉल करना चाहते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल या वॉइस आइकन पर क्लिक करें। आप माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक करके कॉल के दौरान अपने माइक्रोफोन को म्यूट या अनम्यूट भी कर सकते हैं, या कैमरा आइकन पर क्लिक करके अपना कैमरा बंद या चालू भी कर सकते हैं। वॉइस कॉल के दौरान आप अपने कॉन्टैक्ट को वीडियो कॉल पर स्विच करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कॉल के दौरान अपने माउस को कैमरा आइकन पर ओवर करें। अब कैमरा आइकन पर क्लिक करें। अगर आपका कॉन्टैक्ट जिससे आप बात कर रहे हैं आपके स्विच अनुरोध स्वीकार करता है तो आपको वॉइस कॉल एक वीडियो कॉल में बदल जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, विकास कुमार, रंजीत मिश्रा, अंजना मिश्रा, रानी कुमारी, प्रहलाद कुमार, रविंद्र कुमार, उमेश ऋषिदेव, सनोज कुमार, पंकज कुमार दास, विकास दास, राज सुभाष, रविशंकर, कविता कुमारी, नरेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में घूमने वाला आपका मन पसंदीदा जगह कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।